हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको पता है कि डीएलएड नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे, इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया, एक फैसला निकल के सामने आया है, उस पर आपके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो उन्हीं के मैं इसमें रिप्लाई देने वाला हूँ। पूरा जजमेंट क्या है आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें मैंने हिंदी में रूपांतरण करके विश्लेषण किया हुआ है। अब चलते हैं आपके कमेंट पर। तो जजमेंट की कॉपी ये है दोस्तों, इसे आप ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डीएलएड की बात की जा रही है वो 18 महीने वाला डीएलएड है, जो कि 24 महीने वाला डीएलएड है उसके बराबर नहीं है, ये माना गया है। और इस पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो ये दिया गया है कि डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। ये पूरा मामला है उत्तराखंड राज्य का, वहाँ पर ये भर्ती निकाली गई थी जिसमें 18 महीने का जो डिप्लोमा है वो अमान्य किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, वो संज्ञान में लिया गया और अब फाइनली जो डिसीजन आया है वो ये आया है कि 18 महीने का जो डिप्लोमा है वो 2 साल का जो डिप्लोमा होता है आपका उसके बराबर नहीं है, इसलिए वो अब इसमें फार्म फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप स्वयं देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। तो दोस्तों, पहला जो कमेंट है वो है कि जिन्होंने सर ज्वाइनिंग ले ली है, यानी कि एक मध्य प्रदेश का कमेंट है, 8 मंथ की सैलरी भी ले ली है, अब उनका क्या होगा? दोस्तों, ये आप ध्यान रखें कि जो आगामी भर्ती है उसमें अमान्य किया गया है, जैसे कि आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षा भर्ती यानी कि जो आने वाली है प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो इस बात से आप बेफिक्र रहें कि जिनकी ज्वाइनिंग मध्य प्रदेश में हो चुकी है इस 18 महीने डिप्लोमा के साथ, वो अभी बाहर किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। इसके बाद सर प्लीज़ बताएं, रेगुलर डीएलएड वालों को भी बाहर किया जाएगा? नहीं, जो 24 मंथ का आपका 2 साल का डीएलएड है वो मान्य है और हमेशा ही मान्य रहेगा, वो कोई भी बाहर नहीं होंगे। ये 18 मंथ वाला जो डीएलएड है वो लोग जो हैं आगामी परीक्षा जो होने वाली है उत्तराखंड में उसमें फार्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो 2 साल का डीएलएड है उनके ऊपर कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं है, वो हमेशा मान्य रहेगा, ठीक है। अब इसमें और आगे देखें सर, हमारी डीएलएड कि मार्कशीट 2 ईयर्स की लिखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने प्राइवेट किया है, रेगुलर किया है, वो मान्य है, ठीक है। इसके बाद सी टेट में फॉर्म डाल मैंने, उसमें तो नहीं है, सब यूनिवर्सिटी हैं बस को छोड़कर, तो ये उसमें पहले से ही बदलाव कर दिया गया है। लोगों 2 साल क्यों खराब किए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी कोर्स चलाया जाता है वो अपने आप में कम्प्लीट होना चाहिए, इससे स्टूडेंट को ही नुकसान होता है। जो कोर्स चलाते हैं करवाते हैं बाद में फिर वो लोग बाहर होते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, जो भी कोर्स चलाते हैं नुकसान सीधा स्टूडेंट का होता है कि वो लास्ट में जाकर बाहर होता है। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऐसे कोर्स चलाने ही नहीं चाहिए जब उनका कोई लाभ नहीं है। फिर से अगला प्रश्न वही है कि सर हमारा 2 साल वाला है, तो 2 साल वालों का कोई भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। इसमें एक और आया कि सर वर्ग 3 के एग्जाम तो पुरानी भर्ती है ना, तो हमें तो मौका मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि आगामी भर्ती जो है उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, पुरानी भर्ती जो प्रक्रिया है वो अपनी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई उस पर जो है जजमेंट नहीं आया, ये नई भर्ती में आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे ये कहा गया है। अब यहाँ पर वर्ग 3 में ज्वाइन कर चुके उनके लिए तो उन पर भी कोई अपडेट नहीं आया है, तो आप निष्फिक्र रहें क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। आगामी भर्ती के लिए ये कहा गया है कि उसमें वो नहीं भर पाएंगे। इसमें डीएलएड 2 ईयर्स वालों के लिए मान्य होगा कि बिल्कुल मान्य है, 100% मान्य है, 2 साल का यानी 24 महीने वाला मान्य है। और यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 18 महीने वाला डीएलएड है और जो 24 महीने वाला डीएलएड है वो दोनों समान नहीं है, 24 महीने वाला डीएलएड ही मांगा जाता है आपकी परीक्षा में, भर्ती परीक्षा में। तो 18 महीने वाला जो है जो नियम बनाए थे NCDE ने उसमें भी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों बराबर हैं, तो 24 महीने वाला वैलिड है वो मान है। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनका क्या होगा, यदि आपने उत्तराखंड में फॉर्म फिल किए हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आप और राज्यों में अभी इसका अपडेट आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया हर राज्य पर उसका असर होता ही है।
हाँ, एमपी में डीएलएड अभी तक मान्य है, लेकिन अब जैसे जजमेंट आया है तो ये मान्यता बदल जाएगी, ठीक है। 24 माह का है मेरा वर्ग दो में, बिल्कुल 24 माह का मान्य है, इसमें आप कंफ्यूजन में ना आए, 18 महीने वाला है वो अमान्य किया गया है। क्लियर बताएं डीएलएड मान्य है या नहीं नोएस वालों का? अभी मान्य नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी हुई है वो हर राज्य में लागू होगा, धीरे धीरे हर राज्य में अपनी तरफ से इस पर जो है आदेश जारी होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सर प्लीज रिप्लाई करें, एनसीटीई इस मामले में कुछ कर सकती है क्या? पिटीशन पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है, जिस पर एक बार और जो है विचार किया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी है सभी मामले को सुनकर, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 18 महीने का जो आपका डीएलएड है उसमें 6 महीने जोड़कर उसे यदि 2 साल या 24 महीने का बनाया जाए तो फिर वहाँ पर कुछ प्रावधान हो सकते हैं, या आगे की फ्यूचर की बात है, क्योंकि इस पर कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो भी पक्ष सुनकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं वो आपके सामने हैं, क्योंकि सभी पक्ष सुने गए हैं और इस आधार पर यही माना गया है कि जो 2 साल का डीएलएड है और जो 18 महीने का डीएलएड है वो दोनों सेम नहीं है, और हर भर्ती में 2 साल का डीएलएड मांगा जाता है। आगे देखते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो मध्य प्रदेश की बात करें जहाँ पर ज्वाइनिंग हो चुकी है या जहाँ पर जो वर्ग 3 में मेरिट में है अभी वेटिंग में है, तो उन पर कोई भी यहाँ पर, क्योंकि आगामी भर्ती के विषय में ये आदेश जारी किया गया है, पुरानी भर्ती पर क्या असर होगा वो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी इससे कोई भी घबराने की आवश्यकता है नहीं। सर प्लीज, इस बीएड वालों के लिए कोई ऑर्डर आए ग्रेड 3 एमपी टेट के लिए? अभी सुनवाई चल रही है और जैसे ही सुनवाई खत्म होगी एमपी जबलपुर हाई कोर्ट में तो मैं अपडेट लेकर आऊँगा। वर्ग 3 में जो लोग वेटिंग में हैं वो डीएलएड पर असर नहीं है, जो आगामी भर्ती है खासकर उत्तराखंड की उस विषय में ये दिया गया, लेकिन हर राज्य पर यह लागू होगा। अलग अलग हैं दोनों, दोनों ही डीएलएड अलग हैं, 2 साल का जो डीएलएड है और 18 महीने का जो डीएलएड है वो दोनों अलग हैं, 18 महीने को अमान्य किया गया। मैं यहाँ पर लिखा गवर्नमेंट ने सभी शिक्षकों के लिए निकाली थी, ये चाहे अतिथि हो या गवर्नमेंट में लगे हों स्थान में मेरे कल को, तो अब ये एक अलग है क्योंकि अभी आपका फैसला आया है तो आगे चल के हर राज्य में वो लागू होगा, हर राज्य में लागू होने में समय तो लगता ही, तो ये है। और तो सभी क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही हैं, है ना दोस्तों, तो मुझे लगा कि मैं इनके रिप्लाई दूंगा। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है, जब डीएलएड कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट शिक्षक भर्ती तैयारी करते रहे 2 साल, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें जो कोर्स चलाया गया है, जो नियम बनाया गया है, जबकि उस समय ये 18 महीने वाला जो कोर्स है उसका डिजाइन करना ही नहीं था, इसका फिर मतलब ही क्या निकला? यदि आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो इस 18 महीने का कोर्स का मतलब ही क्या निकलता है? तो बिल्कुल ये बात जायज है कि नुकसान सीधा स्टूडेंट का होता है और किसी का नहीं होता है, ठीक है। और जिन्होंने 2 साल का 24 महीने का डीएड या डीएलएड किया है वो मान है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2 कन्फ्यूजन फैले थे, वो ये था कि जो 2 साल का डीएलएड है क्या वो भी अमान्य कर दिया गया? तो वो अमान्य नहीं किया गया, वही मान है 2 साल का यानी 24 महीने का डीएलएड ही या डीएड ही मान्य है। सेकेंड ये है कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उन पर कोई असर पड़ेगा, तो ऐसा अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। जो आगामी भर्ती प्रक्रिया है उसमें 18 महीने वाला जो डीएलएड है वो अमान्य कर दिया गया है। अभी ये उत्तराखंड के विषय में दिया गया एक आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है जो कि विभिन्न राज्यों पर अब लागू हो जाएगा, उसी का हवाला देते हुए। दोस्तों इस संबंध में और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।